तिरंगा गट्टा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच नमक, 1 पिंच सोडा, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और धनिया पाउडर। अब इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे और 1 चम्मच हम बचा के रखें क्योंकि एक और हमें गट्टा बनाना है। अब इसे मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसका हमें आटा लगाना है, आटा मारना है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ताकि ये गीला ना हो। हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे और इसका डो बनाएंगे। क्या आप देख सकते हैं इसका आटा बिल्कुल तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा तेल या कुछ भी घी लगा कर आप थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और अब हम दूसरा आटा अपना लगाएंगे। अब इसी बाउल में मैंने 1/2 कप बेसन और लिया है। अब इसमें मैंने 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चम्मच जो मैंने ये दही बचा के रखा था वो भी इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें ये पालक का पेस्ट मैंने पहले से तैयार करके रखा है, पालक को उबाल कर उसे पेस्ट बना लिया था, इसको थोड़ा सा डालना है, हिसाब से डालना है ताकि ये ज़्यादा ना हो जाए। हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, इसी का इस्तेमाल करके डो को तैयार करना है। इसको धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे और डालते जाएंगे। जब ऐसा लगे कि हाँ ये आटा अच्छी तरह मर गया है तो फिर हमें इसे नहीं डालना है। जैसा कि देख रहे हैं आप डो हमारा तैयार हो गया है। अब इसे भी चिकना कर लेते हैं थोड़ा सा तेल या घी जो भी लगा के और इसे साइड में रख लेते हैं। अब एक बाउल में पनीर लेते हैं, उसमें 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई डालते हैं और पनीर को मैश कर लेते हैं और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। अब किसी पतीले या कढ़ाई में पानी लेंगे, उस पर एक छन्नी स्टील की रख लेंगे या स्टीमर हो तो आप अपना स्टीमर यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने पहले से चिकना कर लिया है तेल से, अब इसे इसी में स्टीम करेंगे। अब हम गट्टा बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अपने हाथों को तेल से ग्रीस कर लेंगे और एक प्लेट भी ले लेंगे, उसे भी तेल से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। एक भाग हम पीला वाला लेते हैं, इसे हम हल्के हाथों से हल्के हल्के फैलाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बढ़ता जा रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करना है और फटे भी नहीं इसका भी ख्याल रखना है। थोड़ा मोटा भी रहेगा और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, मतलब ये आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रहेगी। अब इसको हम इस पर रख देते हैं। अब फिर से हाथों में तेल लगाएंगे और हरा वाला भाग एक भाग लेंगे और इसको हल्के हाथों से फैलाते जाएंगे। जबकि देख रहे ये थोड़ा सा इससे छोटा रहेगा। अब हम पनीर का एक भाग लेंगे और इसको हम लंबाई में करेंगे। लंबाई में करने के बाद इसे इसके ऊपर हम
रख लूँगी। अब इसे हमें बंद करना है, तो हमें ऐसे और ऐसे ये बंद हो जाएगा। अब हम इसे स्टीम करेंगे। ये देखिए गट्टा हमारा तैयार है, इसके ऊपर येलो भाग हम कर देंगे। ये एक गट्टा हमारा तैयार है, अब हम इसे स्टीम में लगाते हैं। इसी तरह सारी बना लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाप निकल रहा है, हमारा स्टीमर एकदम तैयार है। एक मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ था। ये अपने गट्टे हम इसमें स्टीम होने के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए ढककर इसको स्टीम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं गट्टे एकदम तैयार हो गए हैं। अब हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। इन्हें ठंडा होने देते हैं और गैस बंद कर देते हैं। जब तक हमारे गट्टे ठंडे हो रहे हैं, हम दो टमाटर और एक मिर्ची का पेस्ट बना लेते हैं और अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई लेंगे, उसे गर्म होने देंगे। इसमें करीब 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल या जो भी तेल आप यूज करते हैं डालेंगे। मैंने सरसों का तेल लिया है। इसे तेल गर्म होने देंगे। जैसा कि देख रहे हैं तेल गर्म हो गया है। इसमें आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, एक चम्मच घिसा हुआ अदरक या अदरक का पेस्ट डाल के चलेंगे। आधे छोटे चम्मच हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक बड़ा चम्मच गरम मसाला। इसे डालकर बहुत ही धीमी आंच पर चलाएंगे ताकि मसाला जले नहीं। और टमाटर और मिर्च का जो पेस्ट हमने पीसा था वो भी डाल दिया है। और इसको हम पकाएंगे जब तक कि ये मसाला तेल ना छोड़ दे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे और मिक्स करेंगे। इससे इसका कलर और भी खिल कर आएगा, तो कई कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, वाइट ग्रीन येलो और रेड, तो बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर और खाने में बहुत ही मज़ेदार। अब हम इसमें एक चम्मच काजू पाउडर डाल रहे हैं जो मैंने पहले से ही पाउडर करके रखा हुआ था, एक बड़ा चम्मच, और इसे मिक्स कर लेते हैं। इससे हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक भी हो जाएगी और ये बिना प्याज लहसुन के तो इसे कोई भी खा सकता है। आप अगर प्याज लहसुन पसंद करते हैं तो अदरक के साथ आप प्याज, एक प्याज पीस कर और 4-5 कलियां लहसुन की पीस कर डाल सकते हैं। मसाला बिल्कुल ही भुन चुका है, देख रहे हैं आप, तेल छोड़ दिया इसने। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 1 कप के करीब में पानी इसमें ऐड करेंगे। अब पानी ऐड करने के बाद हम इसमें अपना 1 छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं और इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रेवी एकदम तैयार है, बहुत ही सुंदर खिलकर आया इसका कलर। अब इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं। अब हम सर्व करते हैं इसे। जैसा कि आप देख रहे हैं गट्टा हमारा तैयार ठंडा हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसे कट कर लेते हैं। इसे हम 2 तरह से परोस सकते हैं, एक तो हमने अभी जो ग्रेवी बनाई है उसके साथ, दूसरे हम इसे राई और मिर्च, करी पत्ता, इन सबका तड़का लगाकर भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे कलर आया है हमारा। अब ग्रेवी तैयार हो गई है और अपने गट्टे इसमें डालते हैं। एक एक करके हम अपना गट्टा, जो अब ग्रेवी गरम रहे अच्छी तभी डालना है हमें गट्टों को ग्रेवी के साथ, और नहीं उबालना है। साथ में उबालना नहीं है वरना गट्टे टूट सकते हैं। जब ग्रेवी गरम हो तो आप उसमें अपने गट्टे डाल सकते हैं। और एक एक करके हम सारा इसमें डाल देंगे। ये कितना अच्छा खिलकर आ रहा है इसका कलर। तो हमारी तिरंगा गट्टा ग्रेवी तैयार है बनकर।
आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। अब हम बनाएंगे इसका नाश्ता। तो नाश्ता बनाने के लिए अब गट्टे का हमें एक कढ़ाई में तेल गर्म करना है। तेल आप जो भी यूज़ करते हो वो ले सकते हैं। और डालेंगे इसमें एक चम्मच राई, दो लाल मिर्च और थोड़ी सी करी पत्ता। और करी पत्ता डालने के बाद जब करी पत्ता चटकने लगे इसे ऐसे हिला लेंगे थोड़ा सा। उसमें डालेंगे हम अपने कटे हुए गट्टे और गट्टों को डाल के थोड़ी देर के लिए हमें इसमें मिक्स करना है, ऐड मतलब उसे पकाना है, थोड़ा सा फ्राई हो जाए, हल्का सा सेलो फ्राई जिसे बोलते हैं। और हमारा नाश्ता भी तैयार है। एक गट्टे से हमने नाश्ता भी बनाया, ग्रेवी भी बनाई, सब्ज़ी भी बनाई। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।